तो हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले कुछ इस टाइप की एडिटिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, बहुत ही बढ़िया एडिटिंग है। तो गाइस, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ओके देन गाइस, आपको कुछ इस पोज में एक फ़ोटो क्लिक करा लेना होगा। आप देख लीजिए, इस पोज में आप एक फ़ोटो क्लिक करा लीजिएगा। ओके और देन गाइस, आज की फ़ोटो एडिटिंग हम करने वाले कुछ इस बैकग्राउंड, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख ही सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके और देन गाइस, आप ऐसे पोज में भी एक फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। आप देख लीजिए, आप जैसी मर्जी आप वैसे पोज में एक फ़ोटो क्लिक करा लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ से हम इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं पिकआर्ट में। ओके तो इसे हम शेयर कर लेते हैं पिकआर्ट पर, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि बैकग्राउंड हमारा पिकआर्ट में ओपन हो चुका है, तो गाइस आप यहां से आपको क्या करना होगा, यहां से जाना होगा ऐड फोटो पे, ठीक है। और ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस, आप जिस फोटो एडिट करना चाहते हैं ना, तो वो फ़ोटो आप ले आइएगा। ओके तो गाइस, जैसे कि मैं फ़ोटो भी ले आया हूँ, तो गाइस अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, गाइस यहाँ से आपको कैंची दिखी रही होगी, कैंची सा बना होगा, ठीक है। तो इस पर आप टैप करिएगा। ओके और देन गाइस, यहाँ से आप इसका साइज मैनेज कर लीजिए, आपको कितना साइज चाहिए। ओके और देन गाइस, ऐसे झूम करके आपको, मतलब कि गाइस आप एक काम करिएगा, आपको ना बड़ी अच्छे तरीके से इसे लाइनअप बनानी होगी। तो गाइस, जैसे कि आप मॉडल देख ही सकते इस टाइप का है, ठीक है। तो हम इसके जो फोरग्राउंड है ना, वहाँ पर ऐसे रेड कलर की लाइनअप बना देंगे, ठीक है। तो आप बढ़िया अच्छे तरीके से रिमूव करिएगा बैकग्राउंड को, ठीक है। और तो गाइस, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ओके तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने लाइनअप बना लिया अपने बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस, ये ऑटोमेटिक रेट हो जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये ऑटोमेटिक रेट हो गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, अगर आपका नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, वहाँ रेट कर लीजिए, जहाँ पर नहीं हुआ ना तो आप वहाँ पर कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो मेरा तो वैसे सब कहीं हो गया, तो यहाँ से इसे कर लेते हैं सेव, ठीक है। और देन गाइस, सेव करने के बाद गाइस, आप देख ही सकते हैं बढ़िया अच्छे तरीके से अभी रिमूव नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम इसे अच्छे तरीके से कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से जाएंगे, ये मतलब कि आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो इरेज टूल्स पे जाने के बाद इसकी हार्डनेस फुल कर लेंगे, ठीक है, और साइज को हम छोटा कर लेंगे, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। ओके तो गाइस, मैं ऐसे रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो गाइस, जैसे कि मैंने कर लिया हूँ, तो गाइस यहाँ से कर लेते हैं इसे डन, ठीक है। और देन गाइस, आप अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके तो अच्छे तरीके से आप बढ़िया अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और इस टाइप से एडजस्ट होने के बाद गाइस, आप इस पर टैप करिएगा, ठीक है। और देन गाइस, इसकी इरेज टूल्स पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे टैप करके इसकी हार्डनेस कम कर लीजिएगा और ओपासिटी भी कम कर लीजिएगा। ओके और देन गाइस, आपको यहाँ पे ऐसे, मतलब कि पैरों पे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना होगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से कर लीजिएगा। ओके तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर बताऊंगा, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके और देन गाइस, यहाँ से कर लीजिएगा डन, ठीक है। और ये काम हो गया, तो यहाँ से भी कर लेते हैं डन, ठीक है। एंड गाइस, डन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ से आप जाइएगा टूल्स पर, ठीक है, और देन गाइस, यहाँ से जाइएगा एडजस्ट पर, ठीक है। और एडजस्ट पर जाने के बाद गाइस, आप क्या करिएगा, इसकी ब्राइटनेस कम कर लीजिएगा इतनी, ठीक है। और देन गाइस, यहाँ से चले जाइएगा इरेज टूल्स पर, ठीक है। और देन गाइस, इसे टैप करके इसे कर लीजिएगा मर्ज, ठीक है। और मर्ज करने के बाद ही पेंसिल वाले आइकन पे जाइएगा, ठीक है, और साइज को छोटा कर लीजिए कुछ इतना हार्डनेस को, ठीक है, और ओपासिटी भी कम कर लीजिएगा और साइज भी, ठीक है। और ऐसा करने के बाद गाइस, आप यहाँ पे शैडो बना दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बढ़िया रियलिटी लुक आने लग जाएगा फोटो पे, ठीक है। तो मैं ऐसे शैडो बना लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। ओके और देन गाइस, यहाँ से कर लेते हैं डन, ठीक है। और डन करने के बाद गाइस, आपको क्या करना होगा, आप जाइएगा यहाँ से ड्रॉ टूल्स पर, ठीक है। और यहाँ से ड्रॉ टूल्स पर जाने के बाद, ठीक है, और यहाँ से थ्री डॉट पे टैप करिएगा, ठीक है। और थ्री डॉट पे टैप करने के बाद फ़ोटो कर लीजिएगा सेव, ठीक है। और फ़ोटो को कर लेते हैं हम सेव। तो सेव करने के बाद गाइस, हम चलते हैं लाइटरूम में। ओके
तो गाइस जैसे कि मैं लाइट रूम में आ चुका हूँ, तो गाइस जैसे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी क्वालिटी में नहीं दिख रही तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ओके, देन गाइस यहाँ से आपको क्या करना होगा, सूरज वाला आइकन आपको दिख ही रहा होगा तो इस पर टैप करिएगा। ओके, देन गाइस इसकी हाईलाइट आप ऐसे कम कर दीजिएगा। ओके, और हल्के से कंट्रास्ट बढ़ा लीजिएगा। ओके, और शैडो को भी कम कर लीजिएगा कुछ इतना, ठीक है, और वाइट को भी कम कर लीजिएगा। ओके, और देन गाइस ब्लैक को इतना इंक्रीज कर लीजिएगा। ओके, देन गाइस आपका करिए अगले टूल्स पर जाइएगा, ठीक है, और यहाँ से ब्राइटनेस डाल लीजिए कुछ इतना, ठीक है, और सैचुरेशन आप कम कर लीजिएगा कुछ इतनी, ठीक है, इस टाइप से कम कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ से क्या करिएगा, चले जाइएगा इस टूल पे, ठीक है, और देन गाइस इसकी जो फर्स्ट कलर मिलता है ना, इसकी सैचुरेशन आप इतना बढ़ा लीजिएगा। ओके, और देन गाइस अगले कलर्स पे जाइएगा, ठीक है, और इसकी सैचुरेशन कम कर लीजिएगा। ओके, और लूमियंस को हाई कर लीजिएगा, इससे क्या होगा फेस बहुत ही ज़्यादा फेस अपना वाइट हो जाएगा। ओके, तो मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, ओके इतना कर लेता हूँ, ठीक है, और ऐसा करने के बाद गाइस अगले टूल्स पर जाइएगा, ठीक है, इसकी सैचुरेशन आप हाई कर दीजिएगा। ओके, और लूम और हुक वाला सा कम कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले टू कलर्स पे चले जाएंगे, ठीक है, और इस वाले कलर्स पे जाने के बाद इसकी सैचुरेशन कम कर देंगे और हल्का सा हुक को बढ़ा दीजिएंगे। ओके, और यहाँ से लास्ट कलर्स पे जाएंगे, रेड वाले कलर्स पे, ठीक है, और इसकी सैचुरेशन कम कर देंगे कुछ इतनी, ठीक है, और हुक को हल्का सा बढ़ा देंगे। ओके, और यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है, एंड गाइस डन करने के बाद अगले टूल्स पे जाइएगा, ठीक है, और अगले टूल्स पे जाने के बाद इसकी क्लैरिटी डाल लीजिएगा कुछ इतनी, ठीक है, और हल्का सा डेस को भी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, और विंग टैन को आप ऐसे कम कर लीजिएगा, इससे क्या होगा फोटो में बहुत ही अच्छा फोकस आ जाएगा। ओके, और देन गाइस ऐसे नीचे जाइएगा तो आप उसका हल्का से इंक्रीज़ कर लीजिएगा। ओके, और साइज़ को छोटा कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। देन गाइस अगले टूल्स पे जाइएगा, ठीक है, और इसकी शार्पनिंग डाल लीजिएगा कुछ इतनी, ठीक है, इस टाइप से आप डाल लीजिएगा। ओके, और नॉइज डिटेक्शन डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से कलर नॉइज डिटेक्शन भी डाल दीजिएगा। ओके गाइस, और यहाँ से डिटेल्स भी आप डाल लीजिएगा ऐसे, है ना, और ऐसा डालने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हमारी ये रही फोटो बिफोर एंड गाइस ये रही आफ्टर, ठीक है। तो गाइस फाइनली यहाँ से आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट पे टैप करना होगा, ठीक है, और यहाँ से टैप करने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से फोटो कर लीजिएगा सेव, ठीक है।